चेहरे की सफाई पे अब बात करेंगे हम, क्योंकि चेहरे के बारे में हम सबसे ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, चेहरे पर हम सबसे ज्यादा तवज्जो करते हैं। ठीक, चेहरे के बारे में कुरान मजीद में आता है, वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा, क़यामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, खुश खुश होंगे, और कुछ चेहरे स्याह होंगे, गमजदा होंगे, परेशान होंगे। चेहरे की खूबसूरती, दिन में 5 मरतबा वुजू करते हुए उसे अच्छी तरह धोने से खुद ब खुद आ जाती। क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को वुजू के आज़ा के चमकने की वजह से पहचानेंगे। जो शख्स ये चाहता है कि उसके चेहरे की चमक बढ़ जाए, वो क्या करे, अच्छे तरीके से वुजू करे, खुशी से वुजू करे, वुजू का एहतमाम करे, वुजू को अपने लिए बोझ ना समझे। लेकिन चेहरे पर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज करने वाला। चेहरे की जब सफाई पे लोग आते हैं तो वो सिर्फ धोने की हद तक नहीं रहते, बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ जाते हैं। बाज़ुकात उस पर लगाने वाली चीजों में इतना इसराफ करते हैं कि वो गुनाह की हद में चले जाते हैं। बाज़ुकात उस सफाई में सब कुछ चेहरे से नोच डालते हैं, बल्कि अपनी मर्जी से अपनी शक्ल में कमी बेशी करने लगते हैं, जिनमें भवे बनाना वगैरह या पूरे चेहरे के बाल उखाड़ना शामिल है। इससे मना किया गया है। हर एज की अपनी एक खूबसूरती होती है। जो बचपन में बच्चों के चेहरे पर खूबसूरती है, उसका अपना ही एक हुस्न है या अपना ही एक अंदाज है। फिर बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं, दांत टूटे हुए होते हैं तो देखने में वो नहीं ठीक लगते, मगर उसके भी एक हुस्न है। फिर जब वो जवान हो जाते हैं, एक और खूबसूरती है। फिर बुढ़ापे का अपना एक वक़ार होता है। तो मेरे ख्याल है कि बदलते हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना और उसको एक्सेप्ट करना ये भी जरूरी है। बीमारी का इलाज और उसके ऊपर रकम खर्च करने का तो जवाज मिलता है, लेकिन अपने जिस्म को ऐसे तजर्बात की नजर करना और फिर उसमें इस तरह की तब्दीलियां करना दुरुस्त नहीं। अगर ये खल्क की तब्दीली में नहीं आता तो फिर क्या आएगा? क्या अपना गला काट के किसी और का अपने ऊपर लगाना? यानी खल्क की तब्दीली जिसका कुरान में जिक्र आया है, वो फिर है क्या अगर ये नहीं? तो एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स भी होते हैं और यकीनन इनके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, क्योंकि नेचर में खलल जो है वो इंसान को हमेशा कॉस्टली पड़ता है।